तीन दिनों के दौरे पर अमेरिका पहुंचे पीएम मोदी। फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत, आज ही राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर लोगों में खासा उत्साह, एयरपोर्ट के बाहर ग्रैंड वेलकम के लिए जुटे प्रवासी भारतीय। कल न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे पीएम। डायस्पोरा इवेंट का नाम मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, भविष्य के शिखर सम्मेलन में बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान विषय पर रखेंगे बात। चुनाव के बीच हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी कलह जारी, सूत्रों के मुताबिक टिकट बंटवारे में हुड्डा गुट को मिली तरजीह से कुमारी शैलजा नाराज हुई। कुमारी शैलजा की नाराजगी पर बोले कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस के सभी नेता मिलकर लड़ेंगे चुनाव। सीएम नारायण सैनी बोले कुमारी शैलजा को कांग्रेस मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। कांग्रेस का डीए नहीं आरक्षण विरोधी है, वो गरीबों का विकास नहीं चाहती है, सीएम सैनी का आरोप। कुमारी शैलजा के बीजेपी में शामिल होने के अटकलों पर बोले केंद्रीय मंत्री खट्टर, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। खट्टर के बयान पर बोले कांग्रेस चीफ करके बीजेपी पहले अपना घर देखे, उसके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता के कुमारी शैलजा के खिलाफ जाति सूचक शब्द कहे, इसे पूरे हरियाणा में आक्रोश है, बीजेपी कैंडिडेट अनिल विज का बयान। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा बोले हरियाणा में कांग्रेस की हार तय, इसी डर से कांग्रेस में कोई नाराज है तो कोई प्रचार नहीं कर रहा। हरियाणा के रेवाड़ी में सीएम भगवंत मान ने किया रोड शो, आप कैंडिडेट सतीश यादव के लिए वोट मांगे। सीएम भगवंत मान ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, हरियाणा में देश में 5 गुना ज्यादा बेरोजगारी। आप नेता गोपाल राय बोले हरियाणा में काफी सपोर्ट मिल रहा है, आम आदमी पार्टी एक विकल्प है। केजरीवाल के किंग मेकर वाले बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री खट्टर, बीजेपी को उनके सपोर्ट की जरूरत नहीं है। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी कैंडिडेट अनिल विज का तंज, मुझे हुए दिए से क्षमा रोशन नहीं की जा सकती। हरियाणा के कैथल में बोले बीएसपी नेता आकाश आनंद, आईएनएलडी बीएसपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है। आतिश ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, सुषमा स्वराज शीला दीक्षित के बाद दिल्ली की सीएम बनने वाली तीसरी महिला बनी। केजरीवाल सरकार के 4 मंत्रियों को फिर मिला मौका, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन ने दिलाई शपथ। आतिशी कैबिनेट में एक नए चेहरे को मिली जगह, सुल्तानपुरी से विधायक मुकेश अहलावत बने। सीएम बनाने के लिए आतिश ने केजरीवाल का जताया आभार, कहा यह भावुक समय है, केजरीवाल अब मुख्यमंत्री नहीं है। सीएम आतिशी बोली हमारा अब एक ही काम, अरविंद केजरीवाल को फिर से सीएम बनाना। आतिशी कैबिनेट में मंत्रालय का बंटवारा, सीएम आतिशी के पास पीडब्ल्यूडी, एजुकेशन समेत 13 बड़े मंत्रालय। मंत्री सौरभ भारद्वाज को शहरी विकास, हेल्थ, टूरिज्म समेत 8 मंत्रालयों का जिम्मा। गोपाल राय दिल्ली के पर्यावरण मंत्री बने रहेंगे, साथ ही विकास और प्रशासनिक विभाग भी संभालेंगे। मंत्री कैलाश गहलोत को 5 मंत्रालय का जिम्मा, ट्रांसपोर्ट, गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास संभालेंगे। इमरान हुसैन फूड एंड सप्लाई के इलेक्शन विभाग के मंत्री बनाए गए। मुकेश अहलावत को गुरुद्वारा इलेक्शन, लेबर, लैंड, बिल्डिंग समेत 5 मंत्रालयों का जिम्मा दिया गया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर सादा निशाना, कहा जाते जाते भी दिल्ली वालों को स्वच्छता और लैंडफिल साइट की सफाई पर धोखा दिया। सचदेवा बोले केजरीवाल ने 2024-25 तक तीनों लैंडफिल साइट को साफ करने का वादा किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर 2028 से पहले साफ नहीं हो सकेगा कहा। आतिशी केवल चेहरा है, सीएम अभी केजरीवाल है, बीजेपी सचिव मनजिंदर सिरसा का बयान। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आतिशी को बधाई दी, कहा दिल्ली के लिए खुलकर काम करें, हम पूरा समर्थन देंगे। मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर निशाना साधा, कहा उन्होंने 9.5 साल सिर्फ ब्लेम गेम में बर्बाद किए हैं। आतिशी के शपथ ग्रहण पर बोली बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता, एक बात साफ हुई, सरकार ना तो जेल से चलेगी ना बेल से। आप नेता दिलीप पांडे बोले हमारी पार्टी ने ईमानदारी की नजीर पेश की, इसी को आगे बढ़ाते हुए केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर सादा निशाना, कहा बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं केजरीवाल। जम्मू कश्मीर के मेडर में अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया, कहा कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने घाटी में दहशतगर्दी फैलाई। अमित शाह का आरोप, ये तीन परिवारों ने युवाओं के हाथों में पत्थर थमाए, हमने युवाओं को लैपटॉप दिए। जम्मू कश्मीर की रियासत में बोले बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, लोगों ने आतंकवाद और अलगाववाद को नकारा। जम्मू कश्मीर में बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सूबे को राज्य का दर्जा दिलाना हमारी प्राथमिकता। कश्मीरी पंडितों को खड़गे ने भरोसा दिया, कहा पुनर्वास की व्यवस्था लागू करेंगे, पिछड़े वर्ग को पूरा हक मिलेगा। 23 सितंबर को श्रीनगर जाएंगे राहुल गांधी, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर सादा निशाना, कहा वो खुद गलती करते हैं और हमें पाकिस्तानी कहते हैं। झारखंड के चतरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा, कहा सीएम सोरेन भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे घुसपैठियों को भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी, राजनाथ सिंह का बयान। राहुल गांधी पर भी राजनाथ ने सादा निशाना, कहा उन्होंने सिखों को उकसाया, अमेरिका में भारत की छवि खराब की। राहुल गांधी के बयान से सिखों में भय का माहौल है, सिख संस्थाओं बयान वापस लेने की मांग की। बीजेपी सचिव मनजिंदर सिरसा का बयान, राहुल गांधी ने सिखों पर भी अपने बयान को शेयर किया है, कहा बीजेपी मेरे बयान पर झूठ फैला रही है। पुणे में बोले नितिन गडकरी, राजा ऐसा हो जो आलोचना झेल सके, उस पर आत्मचिंतन करे, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा है।